खुदा के वास्ते भक्तों करम के फूलों से हर गरीब की थाली मेरे गरीब नवाज यहाँ तक महदूद नहीं। आशिकाने गौसे आजम बयान फरमाते हैं कि जैसे ही सरकारे गौसे आजम का खदमे मुबारक हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के कंधे मुबारक पर पढ़ा, सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज के आशिकों ने कहा कि बताओ क्या तुम्हें क्या है मेरा गरीब नवाज हसन हुसैन का बेटा मेरा गरीब नवाज और बरोज हश्र ये मंजर भी देख लेना तुम, अली के साथ में होगा मेरा गरीब नवाज और सदा अजानों की न आती अपने कानों में, अगर हिंद में न आता मेरा गरीब नवाज, अगर हिंद में न आता मेरा गरीब नवाज बताओ क्या तुम्हें क्या है मेरा गरीब नवाज हसन हुसैन का बेटा मेरा गरीब नवाज। इसी तरीके से हजरत गौसुल आजम के खदमे मुबारक को तमाम तर औलिया ने कबूल किया, जिन जिन औलिया ने कबूल किया उन उन औलिया का पेशानी चमका, साबिरे पाक का पेशानी चमका, हजरत मखदूमे पाक का पेशानी चमका, हजरत वारिसे पाक का पेशानी चमका, हजरत इमाम अहमद रजा का पेशानी चमका। जैसे ही इमाम अहमद रजा का पेशानी चमकता है और मुझे न छेड़ो मेरे गले में है पट्टा पड़ा बरेली का, मेरे गले में है पट्टा पड़ा बरेली का। बताना मकसद ये है कि ऐ लोगो अल्लाह वालों के कदम अगर जिसके कांधे से लग जाए वो भी अपने आप का हिंद का राजा महाराजा बन जाया करता है, सिवनान का बादशाह बन जाया करता है, साबिर पाक बन जाया करता है, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की जात बन जाया करते हैं। ऐ लोगो ऐसे पीर के मानने वाले हम लोग हैं, ऐसे वली से निस्बत रखने वाले लोग हम सब हैं, मगर हमें चाहिए कि हम मुकम्मल तौर से अपने पीर का दामन थामे, इस अंदाज से थामे जिस तरीके से सहाबाए कराम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता थे, इस शान से थामे कि जिस तरीके से हजरत मौला अली ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थामा था, यकी वादी करे हमें भी अपने पीरों का दामन मुकम्मल तौर से थामना चाहिए, क्योंकि जितनी तेज हमारी पकड़ होगी उससे कई गुना तेज तुम्हारे पीर की पकड़ होगी, तुम्हें तुम्हारे पीर का फैज मिलेगा। यहाँ तक महदूद नहीं, उस सलासल में जितने भी बुजुर्ग होंगे तमाम तर बुजुर्गाने दीन का फैज तुम्हें मिलेगा। अगर तुम्हें कोई